चलते ही और देखता हूँ कि वो कैसी है। क्या बात, अभी मेरी भाभी नहीं आई, भाभी आप आ गई? हाँ गुड़िया। और भैया कहाँ हैं? तेरे भी आ जाएंगे। मन्नू लाल दादाजी, जैसा तूने बताया है वैसे ही खूबसूरती बयाने शाली है, यकीनन बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है। एक काम करो मनुला, तुम जरा लाइन में लगो। चल चल जा रहे हैं। अच्छा वाह वाह, क्योंकि आ गई आप मेरे घर आ गई, वरना मैं अभी अभी दौड़ कर आपकी हवेली आ रही थी। अच्छा, मेरी मदद कर दीजिए, मेरी पति को उम्र के सजा हो गई और आपके सिवा मेरी पति को कोई नहीं छुड़ा सकता। आप भी छुड़ा लाई, मैं आपकी पाऊं। अरे ना 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 बिटिया ना, अरे क्यों रो रहे बिटिया? देखो तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तेरे पति को छुड़ा कर लाऊंगा। आप छुड़ा लाएंगे? हाँ, क्योंकि मैं संकल्प कर रियासत का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। हाँ। और फिर तेरे पति को उम्र कैद की सजा हो गई है, तेरे पति को मैं अवश्य छुड़ा कर लाऊंगा। लेकिन शबनम, तेरे पति को तो मैं छुड़ा कर लाऊंगा, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या, कितनी अच्छी बात है, आप मेरे पति को छुड़ा लाएंगी। आप इस रियासत के जमींदार हैं, लोग आपको भगवान समान समझते हैं। कितनी अच्छी बात है, आप मेरे पति को छुड़ा लाएंगी। लेकिन शबनम, छुड़ा लाऊंगा उसके लिए तो तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। काम? वो कौन सा काम है? तुम्हें एक रात के लिए मेरे हवेली को आना पड़ेगा। हवेली? और अपने ही नाजुक कलाई से और इन खूबसूरत चेहरे से जरा सा मुस्कुरा कर सबसे पहले मुझे जाम पिलाना। क्या? उसके बाद मेरी रात को रंगीन कर देना, फिर देख मैं तेरे पति को कैसे छुड़ा कर लाता हूँ। ठाकुर साहब, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बेटी की क्षमा करती हूँ। लेकिन बेटी हो तो नहीं? नहीं। शबनम, इंद्र की हो मेनका, इंद्र की हो मेनका या जन्नत की हूर, आओ बैठो पास में, क्यों खड़ी हो तू? ए शबनम, नहीं भूलने को है सूरत तुम्हारी, ये हसरत हमारी।
नचाई पाण सपोड़ी तो मंदू नचाई पाण से ला दूंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं माना तो तुझे घर से बेघर मनुराज संतोष कुमार भाई साहब अमरी गांव के रहने वाले हैं। ये 50-50 रुपए हमारे तीन साजिद और 50 रुपए ठाकुर साहब ने स्क्रीन और राइट हैंड नाम है पार्टी तरफ से धन्यवाद। यस ततरी दो टके की और चाय वाला भाई सो रहे हो तुम आज हमारी बात नहीं मानते भैया बात नहीं मान रही है तो कहा हम माने तुम्हारा बात तुम मुनि को साले मनुलाल जो हमारी बात नहीं मानता है उसे हम घर से बेघर कर देते हैं और इसने हमारी बात को ठुकरा है हमारा हुक्म नहीं माना है तो मेरा हुक्म है कि सपना को धक्के मार कर इसके मकान से बाहर मनुलाल देखा जो भी हमारी बात नहीं मानता है तो उसे हम घर से बेघर कर देते हैं। अगर ये ससुरी हमारी थोड़ी सी बात मान जाती तो नोटों को बिस्तर पर इसे सुला देता। इतना धारा और दौलत
हाथ हमारे पास है, किसे खुश करके भेजता हूं। लेकिन एक काम करो मनुलाल, इस बात से मैं ऐलान कर दो कि शबनम को या फिर ननन गुड़िया को